हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेलिंग प्राइस इक्वल की, मैंने आपको बोला भी था कि मैं पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ा देता हूँ, एक एक टाइप करके देख लेना थोड़ा सा। सेलिंग प्राइस इक्वल की लास्ट में हमने बात की थी, तो उसके कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको कराता हूँ, ठीक है? समझाने ठीक है, उसी का थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है कि एक टेबल एक चेयर है, 4000 ईच सेलिंग प्राइस है, मतलब इनका सेलिंग प्राइस सेम है, 4000 की हमने एक टेबल को बेचा और 4000 का ही हमने एक चेयर को बेचा है, तो 25% प्रॉफिट बोला गया टेबल के ऊपर। चेयर का प्रॉफिट और लॉस नहीं बताया गया कि प्रॉफिट हुआ है चेयर पे या लॉस हुआ, वो हमें फाइंड आउट करना है। और आपको बताया गया कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ना उसे प्रॉफिट हुआ और ना उसे लॉस हुआ, तो बताओ चेयर के ऊपर प्रॉफिट था कि चेयर के ऊपर लॉस था। समझेंगे इस क्वेश्चन को एक बार। देखो सीपी और एसपी, अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल के ऊपर 25% का प्रॉफिट है, टेबल के ऊपर 25% का प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि अगर सीपी 100 रहा हो तो 25% का प्रॉफिट होने के बाद ये 125 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है? क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम होने का मतलब है कि अगर हमने ये 125 रुपए की बेची है तो इतनी बात श्योर होगी कि हम चेयर को जब बेच रहे होंगे तो वो भी 125 रुपए में बेची गई होगी। सेलिंग प्राइस इक्वल है तो इस वजह से हमने बोल दिया कि 125 ये और 125 ये, तो दोनों को जोड़ के बोल दिया कि 250 रुपए में हमने इन दोनों आर्टिकल को बेचा होगा, इन 250 रुपए में हमने दोनों आर्टिकल को बेच दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में ना तो उसे प्रॉफिट हुआ और ना उसे लॉस हुआ। इसका मतलब पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट और लॉस होने का मतलब है कि जितने रुपए में उसने उस दोनों आर्टिकल को मिला के बेचा होगा उतने ही रुपए में उसने दोनों आर्टिकल को मिला के खरीदा भी होगा, उसी कंडीशन में ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। तो इसका मतलब श्योर होगा कि 250 रुपए में उन दोनों आर्टिकल को वो खरीद के लेके आया होगा। टेबल को खरीद लिया 100 रुपए में, दोनों को खरीद लिया 250 में, तो श्योर हो गया कि 150 रुपए में हमने क्या खरीदी होगी, चेयर खरीदी होगी। 150 में चेयर खरीद ली और बेच दिया आपने 125 रुपए में, तो इसका मतलब आपको सीधा 25 रुपए का नुकसान होगा। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि जो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसे हम हमेशा कैलकुलेट कर रहे होंगे सीपी के ऊपर। इसका मतलब 25 रुपए का जो हमें लॉस हुआ है वो श्योर हो गया कि 150 रुपए के ऊपर हुआ होगा, तो 25 रुपए का लॉस हुआ 150 के ऊपर, परसेंटेज के लिए जाएंगे हम 100 पे, तो 50 से गया 3 बार और 50 से गया 2 बार, तो 50/3, तो इसका मतलब 16/2/3% का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया चेयर। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझा, ठीक है? मैंने आपको ये 100 पे मान के बताया, ठीक है? मैंने पिछले क्वेश्चन, पिछले जो वीडियो थी उसमें आपको बोला था कि ये सारा पार्ट रेशियो से भी जा सकता है, ठीक है? आप इसे किसी भी तरीके से सोल्व करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? एक बार यहां और देख लेंगे, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। अगर आप रेशियो के अकॉर्डिंग जाओगे तो रेशियो में देखो 25% का प्रॉफिट है, तो 25% को हम फ्रैक्शन में लिख रहे होते हैं 1/4, तो इसका मतलब अगर 4 रुपए सीपी है तो पक्का 1 रुपए का इसके ऊपर क्या रहा होगा, प्रॉफिट रहा होगा। तो 4 सीपी है, प्रॉफिट 1 रुपए का है, तो सेलिंग प्राइस हो गया पक्का 5 रुपए। ये किसके केस की बात है, टेबल के केस की बात है। लेकिन चेयर के केस में बोल रहा है कि चेयर के केस में कितना प्रॉफिट और लॉस होगा अगर इस पूरे प्रोसेस में ना उसे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ है और सेलिंग प्राइस बराबर है। तो सेलिंग प्राइस बराबर है, इसका मतलब अगर हमने इसे 5 रुपए में बेच दिया तो 5 रुपए में चेयर को बेचा होगा, इतनी बात श्योर होगी। अब दोनों को मिला के बेच दिया कितने में, 10 रुपए में, तो इसका मतलब श्योर है कि दोनों को मिला के खरीदा भी 10 ही रुपए में होगा अगर इस पूरे प्रोसेस में उसे ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ है। भाई 10 रुपए की चीज खरीद के 10 ही रुपए में बेच देगा तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आप समझेंगे हमने खरीदी कितने में थी टेबल, 4 में, दोनों कितने में खरीदे, 10 में, तो इसका मतलब चेयर पक्का 6 रुपए की खरीदी होगी। तो 6 रुपए की चीज को जब 5 में बेचोगे तो 1 रुपए का लॉस हो गया, तो 1 का लॉस हो गया 6 पे, परसेंटेज ले जाओगे 100 पे, तो 16/2/3% का लॉस हो गया। दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का, बिल्कुल सेम। समझेंगे कि टेबल है, चेयर है, दोनों को 8000 रुपए ईच के हिसाब से बेच दिया गया। ईच का मतलब कि 8000 की टेबल और 8000 की चेयर बेच दी गई। टेबल के ऊपर बताया गया 35% का प्रॉफिट है, चेयर के ऊपर नहीं बताया गया कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, और बताया गया कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में उसे 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा गया कि चेयर के बारे में बताओ कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। समझेंगे पहले, देखो यार, अगर हमने लिया टेबल, टेबल के ऊपर
प्रॉफिट बोल रहा है 35% का, तो इसका मतलब अगर 100 में इसका सीपी रखूं तो 35% प्रॉफिट होने का मतलब है कि एसपी हो जाएगा 135। क्लियर है? साफ साफ लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम होने का मतलब है कि अगर ये 135 है तो ये भी 135 रहा होगा, श्योर हो गए। 135 का ये, 135 का ये बेच दिया, तो इसका मतलब दोनों मिला के भाई 270 रुपए के बेच दिए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बात करी थी कि यहाँ पे ना तो प्रॉफिट ला ना लॉस था, तो हमने एज इट इज लिख दिया था कि जितना ये उतना ये। लेकिन इस बार बोल रहा है कि उसे पूरे के पूरे प्रोसेस में 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो यहीं से देख लेंगे, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो अगर 8 सीपी है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मतलब कंप्लीट प्रोसेस में अगर 8 सीपी था तो 9 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस 9 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 270 हो रहा है। तो 9 की वैल्यू 270 रुपए कितने गुना है 30, तो इसमें भी 30 की गुणा करके सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 240 रुपए। तो इसका मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस है 240 रुपए। और आपको पता है कि इंडिविजुअल जो हमने टेबल खरीदी है वो 100 रुपए की, और चेयर को कितने में खरीदूं कि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए 240, तो ये खरीदना पड़ेगा हमें कितने का 140 रुपए का। तो 140 रुपए की चेयर है, आपने उसे 135 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब हमें श्योर कितना लॉस हो गया 5 रुपए का लॉस हो गया। और 5 रुपए का जो लॉस हुआ है वो 140 रुपए के ऊपर हुआ है, परसेंटेज के लिए कितने पर जाएंगे 100 पर जाएंगे, तो ये काट दिया 2 से गया 7 बार, 2 से 5 बार, इसका मतलब 25/7% का लॉस हो गया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? मतलब उन्हीं कंडीशंस के ऊपर आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सोल्व कर सकते हो, बड़े बहुत इजी तरीके से आप इसे समझ सकते हो, ठीक है? इतना टिपिकल नहीं है वो, यहाँ पे जो भी बोल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये सीपी और वो एसपी बदल जा रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। एक स्पेशल कंडीशन होती है क्या कि जब हम प्रॉफिट को एसपी के ऊपर कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मैं उसको एक बेसिक सा क्वेश्चन बताता हूँ, और हिंदी मीडियम वालों के लिए की बार ध्यान दिया गया है, तो हिंदी वाले हर बार बोलते रहते थे सर हिंदी में नहीं लिखाते, हिंदी में लिखाते, देख लो भाई हिंदी की राइटिंग मेरी अच्छी है, ठीक है? समझेंगे एक बात को, देखो हिंदी में क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य के ऊपर करता है, यदि वह 20% लाभ प्राप्त करता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है? मैं इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ। ए शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी इफ ही गेट्स 20% प्रॉफिट, इफ ही गेट्स 20% प्रॉफिट ऑन एसपी फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत सिंपल सी बात है यार, इतनी सिंपल, वैसे आपसे वो पूछेगा नहीं, आप इस बात को समझते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का यूज जो होगा वो एक अगले अच्छे क्वेश्चन में हो रहा होगा, उसके लिए मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ, समझेंगे। देखो 20% प्रॉफिट बोल रहा है, तो 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब 1/5 हो गया। 1/5 होने का मतलब है कि अगर 5 रुपए सेलिंग प्राइस है, इसमें बोला गया कि प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा है एसपी के ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर, तो इसका मतलब 5 अगर सेलिंग प्राइस है तो पक्का 1 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ होगा। तो सेलिंग प्राइस हो गया भाई 5 रुपए, और सीपी कितना रखूं कि अगर उसे 1 रुपए का प्रॉफिट हो, तो इसका मतलब जब 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहा होगा तभी पक्का उसे प्रॉफिट हुआ होगा 1 रुपए का। तो 4 की चीज को 5 में, तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। हम प्रॉफिट हो या लॉस मैंने आपको बताया था कैलकुलेट हमेशा सीपी के ऊपर ही कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 1 रुपए का लाभ होगा 4 रुपए के ऊपर, परसेंटेज के लिए जाएंगे 100 पे, तो 25% को उसे प्रॉफिट हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब अगर वो आपको कंडीशन दे रहा है कि एसपी के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, एक कंडीशन देखो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करेगा हमेशा सीपी के ऊपर करेगा, मैंने आपको पहली वीडियो में ये बातें मैंने आपको क्लियर की थी, ठीक है? लेकिन ये एक रेयर कंडीशन है, वो आपको इसमें मेंशन करके देगा कि वो सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा है, ही कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी, ठीक है? तो उस कंडीशन के लिए मैंने आपको ये बातें बताई है, इस बात को आप थोड़ा सा माइंड करेंगे। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन वो क्या पूछेगा आपसे, उस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार बताता हूँ, समझेंगे एक बार थोड़ी सी देर। देखो क्वेश्चन पूछेगा ए कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी एंड गेन्स 20% प्रॉफिट, गेन्स 20% प्रॉफिट। बी कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी। इसके बाद वो आपको बोलेगा सेलिंग प्राइस ऑफ
both are same, selling price of both are same and their profit difference is rupees 96, find selling price. फाइंड सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। ए एक आदमी है कोई, वो अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा होता है सेलिंग प्राइस के ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर, और 20% प्रॉफिट लेता है। बी अपने प्रॉफिट को सीपी के ऊपर ही कैलकुलेट करता है और ये भी 20% प्रॉफिट लेता है, और आपको बताया गया कि इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है, और आपसे पूछ लिया गया कि अगर इनके प्रॉफिट का डिफरेंस 96 रुपीज हो, 96 रुपए हो, तो इनका सेलिंग प्राइस कितना था। समझेंगे इस बात को कैसे करेंगे। देखो 20% प्रॉफिट लेने का मतलब है, ध्यान से सुनेंगे, 20% प्रॉफिट का मतलब है 1/5, और यहाँ प्रॉफिट किसके ऊपर ले रहा है, एसपी के ऊपर। तो इसी वजह से लिख दिया कि अगर 5 एसपी होगा तो पक्का 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो 5 हो गया एसपी, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सीपी कितना लिख दूं, 4 लिख दूं। यही बात यहाँ पे है, 20% प्रॉफिट है 1/5, लेकिन किसके ऊपर है, सीपी के ऊपर, तो इस वजह से लिख दिया 5 सीपी और 1 हो गया प्रॉफिट, तो 5 रुपए सीपी है, 1 प्रॉफिट होगा, कितना हो गया भाई, 6 हो गया। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि एसपी क्या है, दोनों आर्टिकल का सेम है, तो जब एसपी सेम है, मैंने आपको एसपी इक्वल की टाइप में अब तक आपको करा रहा हूं, वही बात आपको समझनी है कि एसपी को सेम करा दिया, तो एसपी को सेम कराने का मतलब है यहां मैं 6 की मल्टीप्लाई करा दूं और यहां मल्टीप्लाई करा दूं, कितने की, 5 की, तो 6 की मल्टीप्लाई इसमें होते के साथ ही सीपी कितना हो गया, 24, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो गया 30, 5 की मल्टीप्लाई में करोगे तो 25, और 5 की मल्टीप्लाई में करोगे तो ये हो गया 30। इसका मतलब 24 रुपए में ए ने कोई आर्टिकल खरीद लिया और उसे बेच दिया 30 रुपए में, तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 6 रुपए का हो गया। बी ने 25 रुपए में आर्टिकल खरीद लिया और बेच दिया कितने में, 30 में, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, 5 रुपए का। आप इसका प्रॉफिट 6 रुपए, इसका प्रॉफिट 5 रुपए, तो अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना आएगा, 1 आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा एक है इसी की वैल्यू 96 है, तो इसका मतलब क्लियर साफ साफ दिख रहा है आपको कि 96 गुना हो गया, तो अगर मैं इस सेलिंग प्राइस में 96 की मल्टीप्लाई करा दूं तो आंसर नहीं फेंक देगा, 2880। मेरी बात समझ आ रही है आपको, मतलब ये क्वेश्चन का उसी क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन यहां पर हो रहा है कि 20% प्रॉफिट एसपी के ऊपर करा दिया और 20% प्रॉफिट सीपी के ऊपर करा दिया। हमने इसका रेशो बनाया कि 5 एसपी है तो 1 प्रॉफिट होगा, तो 5 एसपी है तो 1 प्रॉफिट है, इसका मतलब पक्का 4 रुपए में खरीद के 5 में बेची होगी, तभी तो 1 रुपए का लाभ हुआ है, और यहाँ पे 20% प्रॉफिट सीपी के ऊपर है तो 5 सीपी है तो 1 प्रॉफिट, तो 5 सीपी होगा, 1 प्रॉफिट होने के बाद 6 होगी। हमने सेलिंग प्राइस को इक्वल कराया, प्रॉफिट चेक किया कि यहाँ 6 का प्रॉफिट, यहाँ 5 का, तो प्रॉफिट का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 96 है, तो 1 की वैल्यू 96 होगी, मतलब 96 गुना सीधा, तो इसी में सेलिंग प्राइस मार देंगे 96 गुना। अगर मान लो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होता कि A का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हमारे अकॉर्डिंग A का कॉस्ट प्राइस कितना है, 24, तो 96 की मल्टीप्लाई करा दो 24 में। अगर आपसे पूछ रहा होता कि B का सीपी कितना है, तो 25 में मल्टीप्लाई करा दो, किसकी, 96 की, क्योंकि एक बार आपको अगर पता चल गया कि अर्थमेटिक में, पूरे अर्थमेटिक में बस यही बात देखने की रिक्वायरमेंट है कि वो कितने गुना ज्यादा पे बैठा हुआ है, तो हमारे वाले से 96 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी 96 गुना कर दो, ये भी 96 कर दिया, ये भी 96 कर दो, सारी चीजें उतनी गुनी आगे बढ़ाते चले जाओ, आंसर अपने आप निकलते जा रहे होंगे। ए का कॉस्ट प्राइस मतलब 24 × 96, बी का कॉस्ट प्राइस 25 × 96 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर देता हूं, सुनेंगे। गौरव अपने प्रॉफिट को एसपी के ऊपर कैलकुलेट करता है, 50% प्रॉफिट ऑन एसपी, 50% प्रॉफिट ऑन एसपी। विकास अपने प्रॉफिट को सीपी के ऊपर कैलकुलेट करता है, 40% प्रॉफिट ऑन सीपी। इफ एसपी ऑफ बोथ आर सेम, एसपी ऑफ बोथ आर सेम एंड देयर प्रॉफिट डिफरेंस, एंड देयर प्रॉफिट डिफरेंस इज रुपीज 900, फाइंड सेलिंग प्राइस। गौरव अपने प्रॉफिट को एसपी के ऊपर कैलकुलेट करता है और वो 50% प्रॉफिट लेता है,
विकास अपने प्रॉफिट को सीपी के ऊपर कैलकुलेट करता है और वो 40% प्रॉफिट लेता है। अगर इन दोनों का एसपी क्या है, सेम है, और इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 900 रुपीज है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। समझेंगे, सीधी सी बात है। देखो 50% का मतलब आप समझते हैं हाफ होगा, 1/2 होगा, तो हाफ होगा तो इसका मतलब दो अगर सेलिंग प्राइस है तो पक्का ₹1 का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। तो अगर सेलिंग प्राइस दो है, ₹1 का प्रॉफिट है, तो पक्का हमने उस चीज को खरीदा भी कितने में होगा, एक में खरीदा होगा। दूसरी बात, 40% का मतलब कितना होता है भाई, 2/5 होता है, तो इसका मतलब 5 अगर सीपी है तो ₹2 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो 5 सीपी है तो 2 का प्रॉफिट होगा कितना होगा, 7 होगा। ये बात यहां तक समझ में आती है आपको? साफ साफ लिखाया गया कि एसपी क्या, दोनों आर्टिकल का सेम है, तो एसपी दोनों आर्टिकल का क्या कर दिया, सेम, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी 7 की, इसमें मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 की, बराबर हो जाएगा। तो 7 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 7, और इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 1/4, यहां करोगे मल्टीप्लाई तो हो गया 10, और यहां करेंगे तो ये हो गया 14। तो इसका मतलब क्या है कि गौरव ने इस चीज को कितने में खरीदा, 7 में, बेच दिया कितने में, 14 में, तो इसे प्रॉफिट कितने का होगा, ₹7 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। विकास ने इस चीज को खरीदा कितने में, 10 में, बेच दिया कितने में, 14 में, तो कितना प्रॉफिट हो गया, ₹4 का हो गया। तो इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 3, और क्वेश्चन में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना बोल रहा है, 900, तो इसका मतलब इसी 3 की वैल्यू कितनी है, 900 है कि नहीं है, तो कितने गुना हो गया, 300 गुना, इसमें 300 गुना कर दोगे उसका मतलब 4200 हमारा आंसर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है 4200, ये बात समझ आती है, मतलब ये सेलिंग प्राइस इक्वल के मैंने आपको और क्वेश्चंस कराए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप एक बार देखोगे तो आपको हेल्प मिल रही होगी, इन क्वेश्चन को एक बार देख लेना तो हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और भी प्रॉफिट लॉस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये बात है, मैं प्रॉफिट लॉस को कंप्लीट ही करा रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। साथ साथ चलते रहेंगे, और जब भी टाइम मुझे मिल रहा होगा मैं तभी आऊंगा और वीडियो आपके लिए शूट करता रहूंगा, पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जितना कंप्लीट कराने की पूरी पूरी कोशिश है, चाहे वो जो भी चैप्टर मैं एक बार लेकर चल रहा हूँ, मैं सोचूंगा कि पूरा पूरा कराया जाए, ठीक है।